Welcome to all of the students in digital channel of the Alpha Vidya Sankul. My name Mungra sir, and today we discussed about the one of the biological phenomenon in biology, right? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई गर्ल है, वो अपना लंच या डिनर ले रही है. उसकी मदर ने वो जो लंच या जो डिनर है वो टेस्टी और अच्छा बनाया है, तो वो गर्ल एक्साइटमेंट में आ गई और एक्साइटमेंट की वजह से वो जो लंच और डिनर है वो ईट करने लगी. बट ड्यू टू द एक्साइटमेंट दैट आर द रैपिडली ईटिंग ऑफ द दैट मील एंड बिकॉज ऑफ द रैपिडली ईटिंग ऑफ दैट मील राइट दे प्रोड्यूस अ हिक साउंड और आइदर कॉल्ड एज अ हिकअप्स, जिसको हम हिंदी में हिचकी भी बोल सकते हैं. और ऐसा हमारे साथ भी कभी कभी होता है. तो आज के ये वीडियो सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये जो हिकअप्स है वो कैसे प्रोड्यूस होगा, कौन सा बायोलॉजिकल फिनोमिना है जो हिकअप्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और कैसे हम हिकअप्स को दूर कर सकते हैं. सो हियर दैट इज द व्हाट इज द कॉजेस ऑफ द हिकअप्स और आइदर कॉल्ड एज अ हिक राइट, जिसमें हमें हिक साउंड हमारे थ्रोट में से आता है. तो उसके लिए हमें फर्स्ट डिस्कस करना पड़ेगा दैट इज द वन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन. उसमें हम डिस्कस करेंगे दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज द स्टार्ट विद द नोज एंड द एंड विद द एल्वियोलाई राइट. ओके द रेस्पिरेटरी सिस्टम that are the all of the respiratory system are divided into the two parts. First one that is the upper respiratory tract and the another one part that is called as a lower respiratory tract. That is the two part of the respiratory system. Okay, अब हम discuss करने वाले हैं कि upper respiratory part में कौन कौन से part है. So in the upper respiratory part are divided into three part: nasal cavity, pharynx region and the larynx region. The nasal cavity, right? The nasal cavity start with the nose. Nasal cavity कहां से start होगी? तो वो start होगी nose से. It means हमारी जो respiratory system है वो nose से start होगी. Okay. Inside of the nasal cavity or either also called as a nasal chamber. In that chamber, that is the fine hair or the thin hair-like structure are present. क्या present होंगे? Thin hair present होंगे. What is that work or what is the function of this hair? Right? They purify air from डस्ट पार्टिकल. ये हेयर का फंक्शंस क्या है? तो जो ये हेयर है राइट, वो जो हम जो एयर इंस्पिरेशन के थ्रू मींस जो O2 हम ले रहे हैं राइट, वो है एयर को ये डस्ट पार्टिकल से प्यूरिफाई करेगा. मींस डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर नहीं होगा, ओनली जो प्यूरिफाई एयर होगी वही एंटर होगा. इट मींस दे प्यूरिफाई टू एयर फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल राइट. ओके देन आफ्टर दैट नेजल कैविटी और द नेजल चेंबर द सेकेंड रीजन वॉज द फेरिंग्स राइट. एयर कहां पे पास होगी? दैट इज द फेरिंग्स एंड द फेरिंग्स दैट इज द कॉमन रीजन इन passing of air and food right. The pharynx that is the common region in passing of the air and the food. Dono air or food ye dono ye pharynx region mein se pass on ho sakte hain. Then last one part that is called as a larynx.
in that larynx, the above the larynx region, that is the presence of glottis, or either called as a epiglottis. And this epiglottis, to prevent entering of food in trachea, or either called as a windpipe. Right? What is the function of the epiglottis? Epiglottis that are the prevent the entry of the food in a trachea or the windpipe. So, ye jo larynx region hai, uske yahan pe above surface pe, right? Kya presence hoga? To presence hoga epiglottis. इसको हम सिंपली बोलेंगे एपिग्लोटिस. ये एपिग्लोटिस का वर्क क्या होगा? सो दैट आर द प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द ट्रेकिया और द विंड पाइप. इसीलिए जो एपिग्लोटिस है वो विंड पाइप को कवर कर लेगा. राइट, विंड पाइप को कवर कर लेगा, उसकी वजह से जो फूड है वो फूड कहां पे एंटर हो जाएगा? तो क्या फूड जो एंटर हो जाएगा वो हो जाएगा इसोफेगस में. Or we know that is the esophagus, that is called also called as a food pipe, right? जो esophagus है वो उसमें enter हो जाएगा और उसके वजह से वो digestive system में चला जाएगा. वो तो आप already जानते ही हो. ठीक है, okay. आगे बढ़ते हैं respiratory system में. हमारा दूसरा part कौन सा? तो के lower respiratory tract. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमने तीन पार्ट देखे, नेजल कैविटी, लैरिंग्स एंड द फेरिंग्स. फर्स्ट वन होगा नेजल कैविटी, सेकंड वन होगा फेरिंग्स एंड द थर्ड वन होगा लैरिंग्स. ओके, इन दैट लैरिंग्स पार्ट्स दैट इज द आल्सो प्रेजेंस ऑफ द वोकल कॉर्ड और आइदर कॉल्ड एज अ वॉइस बॉक्स. राइट, जिसको हम क्या बोलेंगे? वोकल कॉर्ड और आइदर कॉल्ड एज अ वॉइस बॉक्स. देखो बच्चों, ये याद रखना वोकल कॉर्ड, क्योंकि ये हिप कप्स प्रोड्यूस करने में राइट इसका पार्ट भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये याद रखना कि जो हमारा वोकल कॉर्ड है, जो वॉइस बॉक्स है, वो कहां पे प्रेजेंस होगा? लैरिंग्स रीजन में प्रेजेंस होगा. ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. हमारा दूसरा पार्ट कौन सा? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. राइट, ओके, द सेकेंड पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक राइट द फर्स्ट पार्ट दैट इज अ कोल इज अ ट्रेकिया. फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा? ट्रेकिया का होगा. ओके, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ विंड पाइप. ओके, इन द ट्रेकिया रीजियंस राइट दैट आर द इलोंगेटेड टू राइट अवर नेक रीजियन अप टू द फिफ्थ वर्टिब्रा. दैट इज द फिफ्थ वर्टिब्रा, इट इज अ थोरेक वर्टिब्रा. हमारी जो बैक साइड है उसको हम बोलेंगे वर्टिबल कॉलम. क्या बोलेंगे? वर्टिबल कॉलम. और वर्टिबल कॉलम में डिफरेंट डिफरेंट वर्टेब्रा होगी, जिसमें तो जो फिफ्थ नंबर की जो थोरेक वर्टेब्रा है वहां तक हमारा जो ट्रेकिया का पार्ट है राइट वो क्या होगा? इलोंगेटेड होगा. ओके, नाउ द ट्रेकिया और द विंड पाइप दैट आर द हैविंग विथ that is the hyaline cartilage. This hyaline cartilage, it is a helpful for the strength or the flexibility of the trachea. Agar hum ye hyaline cartilage ko dorsal view se dekhte hain right, jo ye hyaline cartilage hai usko hi hum dorsal view se dekh sakte hain, to aap dekh sakte ho jo hyaline cartilage hai wo complete nahi hai right, wo
हाफ रिंग है, इसको लिए हम उसको सी रिंग भी बोल सकते हैं. सो इनसाइड ऑफ द ट्रेकिया दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द हाइलाइन कार्टिलेज. और यही कार्टिलेज की वजह से राइट जो ट्रेकिया है, विंड पाइप है, वो कंप्लीटली कोलैप्स नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, राइट. इसीलिए ऑलवेज जो ट्रेकिया का पार्ट है वो ओपन रहेगा कि जिसके थ्रू जो एयर है वो एयर पास ऑन हो सके. अगर कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो एयर है वो पास ऑन नहीं हो सकती, और उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट होंगे. फिर उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं. तो हाइलाइन कार्टिलेज तो की हमने बात की, ये द डोर्सल व्यू ऑफ द ट्रेकिया. द नेक्स्ट वर्ड दैट इज द एपिग्लोटिस. ड्यू टू द एपिग्लोटिस, ड्यू टू द हियर द एपिग्लोटिस आर प्रेजेंट एंड दैट्स व्हाई द फूड आर ओनली एंटर इनटू द इसोफेगस. यहां पे आप देख सकते हो कि जो फूड है वो फूड कहां पे एंटर होगा, इसोफेगस में एंटर होगा. ओके, देन हम उसके ट्रेकिया से आगे बढ़ते हैं. अगर ट्रेकिया आगे बढ़ेगी तो ट्रेकिया है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगी. जो दो पार्ट में डिवाइडेड होगी उसका जो जंक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ब्रोंकस, राइट. एंड दैट आर द डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, वन इज द राइट पार्ट, अनदर वन इट इज द लेफ्ट पार्ट, राइट. तो जिसको हम राइट पार्ट बोलेंगे उसको हम राइट ब्रोंकस बोलेंगे, और जिसको लेफ्ट पार्ट बोलेंगे उसको हम लेफ्ट ब्रोंकस बोलेंगे. बट हाउ द आइडेंटिफाई द व्हाट इज द राइट पार्ट एंड व्हाट इज द लेफ्ट पार्ट. सो इसके लिए हम सिंपल से एक नॉर्मल प्रैक्टिकल करते हैं. रेडी, यहां पे मैं आपको दिख रहा हूं. अगर मैं आपको ये दिख रहा हूं तो उसमें मेरा राइट और लेफ्ट पार्ट कौन सा होगा, तो आप इजीली बता सकते हो दैट वन इज द राइट पार्ट एंड दिस वन इज द लेफ्ट पार्ट. तो इसी तरह से जो राइट हैंड साइड, मेरे राइट हैंड साइड जो लंग होगा वो राइट पार्ट का लंग है, और जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड का लंग होगा वो लेफ्ट लंग है. इसीलिए जो ब्रोंकस जो डिवाइडेड होंगे राइट, वो राइट साइड आएंगे तो उसको हम राइट ब्रोंकस बोलेंगे, अगर जो लेफ्ट साइड आएंगे तो उसको हम लेफ्ट ब्रोंकस बोलेंगे. ठीक है, सो दैट आर द पार्ट ऑफ द अवर बॉडी एंड दैट इज द राइट वन पार्ट एंड दिस वन इज द लेफ्ट वन पार्ट, राइट. इसीलिए हम जो ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम राइट ब्रोंकस और ये जो है उसको हम लेफ्ट ब्रोंकस बोलेंगे. ओके, अब उसके आगे बढ़ते हैं. तो ब्रोंकस अगर वो फर्दर डिवाइडेड होंगे तो वो किस में कन्वर्टेड होंगे, तो वो कन्वर्टेड होंगे ब्रोंकियोल्स में, राइट. सपोज अगर हम बात करें ये जो ट्रेकिया है, That are the cover with the cartilage ring. Right? Now, that are the trachea divided into two parts. Right? So, this one region is called as a bronchus and that one, that is the left bronchioles. And this one is the right bronchioles, right? अब ये जो है उसको हम primary bronchi और secondary bronchi भी बोल सकते हैं. ये further divided होंगे, उसकी वजह से वो secondary bronchi बनाएंगे, फिर से ये division होंगे, जिसके वजह से वो टर्सरी ब्रोंकी बनाएंगे, और अगेन ये डिवीजन होंगे, और लास्ट वन ये बनाएंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. राइट, तो ऐसे जो
ब्रोंकी है वो डिविजन होते जाते हैं और देट आर अ रूट ऑफ द ब्रोंकी देट आर द प्रोड्यूस इन द लंग्स राइट एंड अल्टीमेटली द टर्मिनल ब्रोंकी राइट देट आर द प्रेजेंस इन साइड ऑफ द लंग्स एंड द लंग्स आर कवर्ड विथ ऑल ऑफ द साइड विथ बोन्स विच टाइप ऑफ द बोन्स So, in the ventral side, that is the presence of the one of the bone. It is called as a sternum. क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे sternum, जो हमारी middle chest में है वो जो bone है hard bone, जिसको हम क्या बोलेंगे sternum. Then, lateral side, that is the presence of the ribs. In that lower side, that is the presence of the diaphragm. And we already know on the back side, right? On the dorsal side, that is the presence of the vertebral column. So the lungs are covered with the all of the sides. Okay, now that is a bronchi are create a roots of, right? A bronchis in the lungs. And now the ultimately the bronchi are open into the globular or the grape like structure. Do you know that is the which part of that lungs? Right? You are absolutely right. That is a part of the respiratory system. That is the basic part of the respiratory system. That is a called as a alveoli. क्या हम उसको बोलेंगे that is called as a alveoli and this alveoli that is the actual site of the gas exchange of the O2 and the CO2 right in our breathing process we are two process are required one is the inspiration and the another one it is called as a expiration In that inspiration, we take a O2 and in the expiration, we release a CO2. So, actual O2 और जो CO2 का जो exchange होगा, वो कहाँ पे होगा? तो वो होगा alveoli में. कहाँ पे होगा? Alveoli में. In that alveoli, that is a smaller part, that is called as a alveolus. Now, we cross section of the alveolus, right? So, the alveolus are connected with the network of fiber. Fiber of what? It is the blood vessel. That is the alveoli, right? In that alveoli, that is a small globular portion, that is called as a alveolus. And in the alveolus, that is covered with a blood vessel, right? Which type of the blood vessel? We already know in our body that is the two type of blood vessel. One is the vein and another one it is the artery. So that is the red one in color, that is called as a artery. And that is the blue in one color, that is called as a vein. Okay, so that are the connected with the alveoli. Okay, here we observed a cross section of the alveoli. In that cross section of the alveoli, that is the blood are passes, right? Blood vessel are passes, inside the blood vessel, blood capillaries, that is the presence of the blood. So here, the O2 and the CO2 are diffused. How? Because the alveolus are made up of the single membrane, right? That is the thin membrane. And due to that, right, the O2 and the CO2 are diffused in the blood and the alveolus. कैसे होगा तो यहां पे आप देख सकते हो देखो जो O2 है वो O2 एल्वियोलस में ज्यादा होगा राइट तो वो O2 एंटर होगा ब्लड में और यहां पे आप देख सकते हो कि ब्लड में CO2 ज्यादा है तो वो एंटर होगा कहां पे एल्वियोलस में हाउ बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस व्हाट इज द डिफ्यूजन डिफ्यूजन इट मींस Diffusion, it means the any gaseous molecule
any gaseous molecule that are the transfer from higher concentration to lower concentration. Suppose अगर आप क्लास में बैठे हो, कोई एक स्टूडेंट क्लास में आता है, उसने स्प्रे लगाया है, राइट? तो जैसे ही क्लास में वो एंट्री लेगा, अगर आप कोने में बैठे हो फिर भी आपको पता चल जाएगा. क्यों भाई? क्या होगा उसमें? इसमें होगा डिफ्यूजन. क्यों? स्प्रे के मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल दैट आर द ट्रांसफर फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जिसने लगाया है उसके पास हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, और जो जहां के नहीं बैठा है कोने में उसके पास लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा. इसीलिए तो गैसियस मॉलिक्यूल हायर टू लोअर जाते हैं भाई, पता चला ना? तो वैसे ही यहां पे जो O2 और CO2 होगा वो हायर टू लोअर जाएंगे. कैसे? तो गैसियस मॉलिक्यूल में अगर हम एल्वियोलाई में देखें तो O2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? हाई. और ब्लड में हम देखें तो O2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? लो. सो O2 जनरली आर ट्रांसफर फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. वैसे ही CO2 जो है वो ब्लड वेसल में, CO2 जो है वो ब्लड वेसल में क्या होगा? हायर होगा. और एल्वियोलस में जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन लोअर होगा. इसलिए तो जो CO2 है वो भी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसफर्ड होते हैं थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस, राइट? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. तो ये O2 और जो CO2 का है ट्रांसफर हो गया, वेन में से CO2 है वो एल्वियोलाई में चला गया, और एल्वियोलाई में जो O2 है वो ब्लड वेसल में आ गया थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस, राइट? ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, और ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. इन दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट, दैट इज द डिफरेंट पार्ट. इन दैट डिफरेंट पार्ट we discussed all of the part, right? Upper respiratory tract and the lower respiratory tract. Now we discussed about the lung and the diaphragm, right? The actual reason of the hiccups. So we know in the lungs, that is the lower side of the lung, that is the presence of the diaphragm. So this diaphragm, how the hiccups are produced? In that diaphragm, right, that is the we take a O2, right? In that our respiratory system, that is the two process are occur. One is the inspiration, another one it is the expiration. We already know about that, right? In that, what is the happening in the inspiration? Whenever inspiration or the breathe in, right, the diaphragm are contract. Jo diaphragm hai wo contract ho jayega, aur uski wajah se, right, kya hoga? The air that are the enter into the lungs, jo air hai वो लंग्स में क्या हो जाएगी? एंटर हो जाएगी, राइट? और वैसे ही ब्रीद आउट होगा तो डायाफ्राम है वो रिलैक्स होगा, एंड दैट इज द एयर आर ड्यू टू द फोर्स द एयर आर रिलीज फ्रॉम द लंग्स, ठीक है? तो अगर हम इसका जो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप देख सकते हो, वेन एवर वी ब्रीद इन, राइट, द रिब के द डायाफ्राम, दैट इज द लोअर डायाफ्राम, the diaphragm, that is the one type of the muscle sit in between of the stomach and the lungs, right, that are the separated both region. Okay, jab hum inspiration karenge tab diaphragm hai wo contract hogi aur jo rib cage hai wo upper aayegi. agar hum iska experiment karna chahte hain to abhi bhi kar sakte hain, right? relax hoke aap inspiration process karo तो उसकी वजह से जो हमारा डायाफ्राम है वो डायाफ्राम क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और जो रिब केज है वो रिब केज अपर साइड शिफ्ट हुआ, और उसकी वजह से जो हमारा थोरिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ, और उसी वजह से एयर जो है वो एयर एंटर हुई. वैसे ही जब ब्रीद आउट करेंगे तो डायाफ्राम क्या होगा? रिलैक्स होगा, राइट? करके देखो, राइट? तो अगेन जो हमारा रिब केज है वो लोअर साइड शिफ्ट होगा, और लोअर साइड शिफ्ट होगा ना तो लंग में क्या क्रिएट होगा? प्रेशर क्रिएट होगा, राइट? और एक डायाफ्राम है वो रिलैक्स होगा, उसकी वजह से जो लंग में है वो प्रेशर क्रिएट होगा, और ड्यू टू दैट प्रेशर द एयर आर फोर्स्ड, राइट, एंड दैट इज द आउट ऑफ द लंग्स, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा. तो ये हमारी नॉर्मल दो प्रोसेस है, वन इज द इंस्पिरेशन, अनदर वन इट इज द एक्सपिरेशन.
Okay, but how the diaphragm are help in the hiccups, right? In that diaphragm, that is the sudden contraction of the diaphragm, that is a sudden closure of the vocal cords, right? क्या हो जाएगा? Diaphragm है वो sudden contract हो जाएगा. उसकी वजह से मैंने आपको बोला था ये vocal cord याद रखना बच्चों. Vocal cord क्या है? जिसके से O2 और CO2 release होते हैं. O2 generally pass होता है, right? That is the vocal cords. तो O2 जो है वो अचानक से क्या हो जाएगा? Close हो जाएगा. अगर close हो जाएगा ना, तो O2 molecule है वो pass नहीं हो सकते. उसकी वजह से हमारी जो body है, जो throat region है, neck region है, उसमें से hic sound आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? Hiccups. क्या बोलेंगे? Hiccups. ठीक है? Okay. इसकी वजह से जो क्लोजर हो गया वोकल कोर्स, तो उसकी वजह से हिक साउंड है, वो हिक साउंड प्रोड्यूस हुए. डायाफ्राम है, वो डायाफ्राम इरिटेट होता है. डायाफ्राम इरिटेशंस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द स्टमक इरिटेशंस. अब स्टमक एक्सपांशन क्यों होगा? ड्यू टू दैट थ्री रीजन, रैपिड ईटिंग और द ड्रिंकिंग ऑफ द बेवरेज, कार्बोनेटेड बेवरेजेस और द स्वेलिंग एयर व्हेन एवर ईटिंग अ च्युइंगम, राइट? और उसकी वजह से जो डाया जो स्टमक है वो स्टमक क्या हो जाएगा? एक्सपांड हो जाएगा, ब्लोटेड हो जाएगा. और डायाफ्राम है वो डायाफ्राम इरिटेटेड हो जाएगा, सडन कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा, और उसकी वजह से जो एब्रेशंस कॉन्ट्रेक्शंस होगा और हिकअप्स है, वो हिक प्रोड्यूस होगा, राइट? और किसकी वजह से हिक प्रोड्यूस होंगे? तो कि इंटेंस इमोशंस, राइट? इंटेंस इमोशंस की वजह से भी हिक प्रोड्यूस होते हैं. क्यों? क्योंकि जब भी हमारे बॉडी में से कोई इमोशंस प्रोड्यूस होता है, तो डायाफ्राम का जो कंट्रोल और रिलैक्सेशन है, वो कंट्रोल कौन करेगा? तो भाई हमारा ब्रेन, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, राइट? और ये क्या करेगा? तो ये है वो डायाफ्राम को कंट्रोल करेगा फॉर द कॉन्ट्रेक्शंस एंड द रिलैक्सेशन. बट वेन एवर द इंटेंस इमोशन लाइक लाफिंग, सोबिंग, एंजाइटी और द एक्साइटमेंट, right? That is the also produce of hiccup sound. How? So that is a abnormal of the contraction or the irritation of the diaphragm, right? And due to that is a the sudden closing of a vocal cord, and due to that is the, right? And due to that is the closing of the vocal cord, that are the produce a hic sound. It is called as a hiccups. Okay, sometimes the hiccups are normally, right? And that are the remove from the body, that are the normally biological phenomena. But sometime how to get rid of the hiccups, right? जब hiccups ज्यादा आने लगे तो उससे हम avoid कैसे कर सकते हैं? तो कुछ नॉर्मल चीजें हैं जो हम घर पे भी यूज कर सकते हैं, उसकी वजह से हिकअप अवॉइड हो सकता है. हाउ? सो वन इज द ड्रिंकिंग ऑफ द वन ऑफ द ग्लास वाटर ऑफ द कोल्ड, राइट? और द स्वॉलोइंग ऑफ द माउथ फुल हनी और द पीनट बटर्स और द होल्डिंग अ ब्रीथ्स. इसकी वजह से हम जो हिकअप्स है वो हिकअप्स को क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है? सो हियर दैट इज द complete a biological phenomenon of hiccups. Hiccups are normal process, but whenever the hiccups are more than the 84 hours, right, then that should be a go to the doctor and observe that, right? And at the end, one of the last question, do you know there are the exist of the world record for the longest duration of the hiccups? अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो और कमेंट करो कमेंट बॉक्स में. यहाँ पे हमारा जो बायोलॉजिकल जो सेशन है वो कंप्लीट होता है. जय हिंद, जय भारत.